कहाँ है आखिर इसका डोर हैंडल? कैसे खुलेगा ये? हाँ कैसे खुलेगा भाई, कहाँ है, कहाँ है इसका डोर हैंडल यार? हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक समय था ना कि यहाँ से फॉर्च्यूनर ना निकलती नहीं थी, और आज बाहर लगी हुई है। टाइम चेंजेस यार, टाइम चेंजेस, एंड विद टाइम आपके प्रेफरेंसेस, आपकी प्रायरिटीज भी चेंज होती है, एंड विच इज़ गुड बिकॉज चेंज इज़ द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट। आप ना मतलब बहुत लोग कहते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। यार लाइफ में ना अगर बड़े नहीं होगे ना, अंदर बैठ के बताता हूँ, तो ये भाई प्रकृति का नियम है कि जो एक दिन आया है उसको जाना होगा। और जैसे हम बचपन में अगर बच्चे ही रहे ना, तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, बट ऐसा हो नहीं सकता। आप यही चाहो कि भाई मेरी एज 10 साल की हो या 18 साल की हो, और मेरी एज उससे कम ना हो, कुछ ऐसा ना हो, मैं एज ना हूँ, भाई ऐसा नहीं होता। या फिर मैं हमेशा फर्स्ट क्लास वाली ही मैथ पढ़ पाऊँ, क्योंकि वो तो मेरे को बहुत इजी लगती है। नहीं भाई, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, आपको एलजेब्रा भी पढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग भी करना है, और उसके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ना है। तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ऊपर बैठा था अभी, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ, और कि विकास भाई अब आप फॉर्च्यूनर से ज़्यादा प्यार नहीं करते, आपके लिए LC सब कुछ है, भूलो मत, इस गाड़ी ने आपको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल यार, कौन कहता है मैं भूल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बट यू नो जर्नी एक जर्नी होती है यार। एक जर्नी में ना आप एक चीज़ पे टिक के नहीं रह सकते, या किसी एक इंसान पे या किसी एक चीज़ पे। इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लाइफ में ना आप खुद रियलाइज़ करना, मतलब जिस भी भाई ने कमेंट किया था, जो भी भाई अभी ये देख रहा है, आप खुद रियलाइज़ करना कि आप हमेशा ज़िंदगी भर आपके स्कूल के कितने फ्रेंड्स हैं, अगर आप कॉलेज में हो अभी और या फिर जॉब में हो, तो आपके स्कूल के कितने फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कंटिन्यूस टच में हो उस तरीके से जैसे आप स्कूल में थे? बहुत कम होंगे, शायद बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है, आपके कुछ फ्रेंड्स, और ये आपके साथ या मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही होता है कि आप जैसे ऐसे चीज़ें यू नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, भी एक कहावत है ना कि आप जिस चीज़ आपके नज़रों के परे हो जाता है वो आपके दिमाग के परे हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। तो मैंने उस भाई को सोचा कि यार एक बार एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि नहीं यार प्यार कम नहीं हुआ। एक मिनट, सॉरी ऑफिस से कॉल आ गया था। तो मैं कह रहा था कि भाई टाइम चेंज होता रहता है, एंड टाइम के साथ आप अगर नहीं बदलोगे ना, आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले नोकिया आया करता था, ठीक है, जब हम कॉलेज में थे, और भाई नोकिया अनबीटेबल, जिसके हाथ में देखो नोकिया 3310, ये 10 वो 6610 बड़ा वाला फ़ोन। भाई नोकिया ने ना एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं किया, और कोई भी जो भी रीज़न रहा हो, ठीक है, और एंड्रॉयड आया उसके बाद, एंड उसके बाद देखो कहाँ है नोकिया, कहाँ है नोकिया। तो टाइम के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप समझो कि आपके लिए क्या अच्छा है, अच्छे परिवर्तन, खराब परिवर्तन नहीं कि आप अच्छे आदमी और क्रिमिनल बन जाओ, ये नहीं ये नहीं, अच्छे परिवर्तन बहुत ज़रूरी हैं। जो भी अगर स्टूडेंट को ये देख रहे हैं, तो भाई आप अभी मेहनत करोगे ना तो पूरी ज़िंदगी उसका अर्न करके खाओगे। एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडुकेशन से चाहे आपको जॉब मिले चाहे नहीं मिले, बट आप एक अच्छा आदमी ज़रूर बनते हो, और एक अच्छा आदमी आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ ना एडुकेशन आपके लाइफ में ज़रूर हेल्प करेगा। चलो अभी आज तो संडे का दिन है भाई, जब यहाँ पे रहते हैं ना तो ऑल 7 days वर्किंग होता है, एंड कभी लेट होता है, मैं जाता तो लेट हूँ यार, मतलब मैं जाता, अभी देखो 11 बज रहा है, मैं 11 बजे के करीब निकल रहा हूँ। ऑफिस तो मेरा 9:30 से ओपन हो जाता है, बट स्वाति सारी चीज़ें मैनेज करती है, मैनेजर्स हैं वो मैनेज करते हैं, तो मैं सुपरविजन और इसके लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है यार घर पे बैठ के, क्या मतलब मेरे एब्सेंस में भी सारी चीज़ें इतना
फ्लॉलेसली मैनेज हो रहा है, इतना अच्छी तरीके से, इतना मतलब आई सी एवरीथिंग ऑन वीडियो, मतलब मुझे पता रहता है कौन सी गाड़ी में क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा हुआ काम, बिकॉज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एंड यही एक रीज़न है कि इतनी दूर दूर से गाड़ी आते। कल एक नागपुर से गाड़ी आई थी, हमने डिलीवर की, उनको बहुत अच्छी लगी यार वो गाड़ी देख के। हमें भी वो बहुत खुशी मिलती जब वो लास्ट का जो कि यार लग ही नहीं रही है कि मेरी गाड़ी है, ये वाला जो लाइन आता है ना, बहुत प्यारा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि पहले भी हमने कराया, ऐसा नहीं मिला, तभी वो चीज़ आपको आपको डिफरेंशिएट करता है किसी दूसरे से। मतलब कोई भी काम, ये तो चलो मेरा काम है, कोई भी काम आपको तभी डिफरेंशिएट करेगा अगर आप कुछ अलग करोगे, कुछ अच्छा करोगे, शिद्दत से करोगे, मन से करोगे, लगन से करोगे, बिना कस्टमर को चीट किए हुए करोगे। ये देखो दोनों खटल्लू को, हाँ दोनों कैसे सो रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे चिपक के। वो तो ऐसे आंखें वाखें पता नहीं कैसे, उसकी आंखें ही नहीं दिखती है ना, देख रहे हो कैसे सो रहा है, ये तो आंख खोल रहा है। अभी सोएंगे फिर अभी खाना आ जाएगा। भाई ऐसी एनर्जी आती है इनमें, ऐसे अभी खाना आएगा ना आपको दिखाऊंगा भाई, बस खाना उस गेट से जैसे ही अंदर होगा ना देखना, ऐसा लगेगा जैसे नाटक कर रहे हैं सोने का। अभी देखना ये दोनों सो रहे हैं ना, अभी क्या था ना कि खाना देखो, मेरा खाना है नहीं जगह, ठीक है मैं अपना खाना खा रहा था। अभी देखना जैसे इनका खाना इसमें जा रहा है ना, ये रहा इनका खाना और ये रहा इनका मल्टी वाइटमिन, कितने ही खाते हैं लेकिन एक दूसरे से गुद गुद के खाते हैं। तो सो रहा था ओए, लग रहा है कि अभी सो रहा था। ओए दूसरे वाले को जगा, ओए ओए खाना, ओए ओए ये क्यों नहीं उठ रहा खाने के नाम से। मार्टिन ये देखो, मार्टिन ये तू रुक जा, तू मैं ओए अभी तो तू सो रहा था। ओ मेरा बच्चा, मैं 2 मिनट। अशोक भैया एक बाउल निकाल के इसको एक को पकड़ के ही रखना खाना खाने के लिए ना। हाँ नहीं तो ये लड़ने लगते हैं फिर एक दूसरे का खाना। अरे देखो इसको, किसी एक को पकड़ लो, आ जाओ जा जा, वो देखो देखो आ जाओ, मैं पकड़ता हूँ, जा पापा पकड़ ले, जा पापा पकड़ ले, जा इधर इधर इधर, ओए नहीं नहीं नहीं, ये 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 अपना अपना खा, ये देख लो पकड़ लो, बीच में आएंगे ट्रांसफर होंगे, उनको लगता है कि उसको क्या अलग ही दे दिया है कुछ खाने। भाई देख तो खड़े, ओए अपना खाना, अपना खाना, ये देखो भाई कितनी जल्दी जल्दी ना एक दूसरे को कंपटीशन, इनको अलग अलग खाना देना पड़ेगा, ये तो एक दूसरे के बाउल में डाल देते हैं और अंदर कहाँ लेते जा रहा है। और रुक जा मार्टिन, मार्टिन मार्टिन तू मार्टिन, मार्टिन तेरा खा लेगा वो, तेरा खा लेगा, अरे भुक्कड़ दोनों भुक्कड़, अरे तू अपना मेरे हाथ में भी लगा, ये भी मेरे हाथ भी खा जा। अशोक भैया आप गलत पोजीशन पे नहीं बैठे हो। कौन सो रहा था, किसने किसको उठा दिया, ये मार्टिन को उठा, वो गुस्सा कर रहा है। अच्छा क्या नौटंकी है इनका ना। ओए तू उनको सोने क्यों नहीं दे रहा है, ये देखो जाके उसको पीछे से काट रहा है, तेरे को नहीं सोने दे रहा है, तू कितना क्यों सो रहा है। हाँ खेला है ना अभी, और दोनों बैठ के ना नीचे से सोफा काट रहे हैं, दोनों को सिखा दिया है कि नीचे से सोफा काटना है। भाई हमारे पास इतनी यूनिक गाड़ी आई है ना जिसपे हम एक वीडियो भी शूट कर रहे हैं, एंड भाई बहुत ही अलग है भाई, इतनी फ्यूचरिस्टिक है ना ये गाड़ी, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब देख रहे हो। हाँ ये देखो भाई, मैंने सोचा एक बार तो दिखाना बनता है भाई, छोटा सा डिस्प्ले, इतना क्यूटू सा है ना, इतना क्यूटू सा, और ये बड़ा डिस्प्ले। अब यहाँ पे ना मतलब जब मैं कल सर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई इसका डोर हैंडल कहाँ है, बताओ कहाँ है जी। हाँ फ्लैश ऑन किया मैंने, तो बताओ भाई इसका डोर हैंडल कहाँ है, कहाँ है आखिर इसका डोर हैंडल, कैसे खुलेगा ये, हाँ कैसे खुलेगा भाई, कहाँ है, कहाँ है इसका डोर हैंडल यार, मैं तो फंस गया अंदर, कहाँ है इसका डोर हैंडल भाई। ये है डोर हैंडल, ये डोर हैंडल है भाई, क्या जबरदस्त है यार, क्या जबरदस्त है। इसकी चाबी है ना, एक बार हल्का सा ये चीज देखो, मैजिक मैजिक देखना है,
वाव, एसी ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, एयर वेंट्स, क्या जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक यार, सो फ्यूचरिस्टिक, वॉल्यूम भाई, एसी 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 एसी, किधर है 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 भाई, किधर है किधर है किधर है किधर है, गियर नॉब भाई, एक बार इसको बंद कर देते हैं, ठीक है भाई, गियर नॉब देखो, हाँ भाई, जैसे थ्रॉटल होता है ना जो एयरक्राफ्ट में, हाँ जिसपे आप इंजन कंट्रोल करते हो, वैसा भाई, इतनी अल्टीमेट है यार, इतनी सुंदर है, टच वुड टच वुड भाई, देखो रूफ सनरूफ, ये देखो भाई क्या जबरदस्त है यार, अंदर बैठ के ये देखो क्या सॉफ्ट टच, क्या मस्त है यार, टच वुड यार, क्या जबरदस्त, और ये देखो, हाँ ये भाई क्या मस्त है ना, यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो हवा, और यहाँ पे आप अपनी तरफ या दूसरे की तरफ कर सकते हो, इतना जबरदस्त भाई, जो इसका इंटीरियर है ना, जबरदस्त यार, इस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हम इस पे, क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास BYD की पहली गाड़ी आई है, इस पे बहुत तगड़ा काम करना है, अच्छी लग रही यार, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है भाई, इसके सीट देख रहे हो, हाँ Z4, हाँ Z4 के सीट ऐसे आते हैं, यहाँ देखो क्या जबरदस्त है, आइसोफिक्स माउंट के साथ, क्या इंटीरियर है यार, क्या इंटीरियर है, और गाड़ी आगे से भी, अगर ये नहीं मुझे किसी ने बताया नहीं होता तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता कि ये डोर हैंडल है, और आगे से भी गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, अपने आप को मार रहा है, ये देखो ये देखो, बहुत प्यार आ रहा है, खाना मत बेटा, उससे काम करते हैं, ठीक है, नहीं S10 खाना नहीं है ना, हर चीज मुंह पे चबा, इस थार पे भी काम चल रहा है, इस पे मस्त क्लैडिंग वैडिंग और रूफ वगैरह का काम है, अंदर भी कुछ चल रहा है, पेंट बूथ में, इधर भी चल रहा है, इस फॉर्च्यूनर पे अंदर इधर भी चल रहा है, इस पे भी काम चल रहा है, पता नहीं यहाँ टीम मीटिंग चल रही है, मेरी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, अच्छा इस पे भी तो काम चल रहा है, इस गाड़ी को पूरा हमें ना ये करना है, रिस्टोर करना है, तो इसके तो सारे फिटिंग विटिंग सारी चीज़ें खुल रही हैं सर, इसके ना टूटी हुई है ट्रिम, ये ट्रिम चारों चेंज कर रहे हैं, ये टूटी हुई है ना, ये टूटी हुई है, यहाँ से देखो ये टूटी हुई है, मेरी फिर सर का इंतजार कर रहा है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ये हम चारों चेंज कर रहे हैं, ये हुंडई से नया मंगाया हमने, ये चारों डोर क्योंकि ये खराब हो गया ना, बाहर भी खराब हो गया है, और ये रनिंग बोर्ड भी फटे पड़े हैं, इसके जो टूटे पड़े हैं, रनिंग बोर्ड भी मंगाया है इसका हुंडई से, कोई नहीं जो अभी है ना, अच्छा ये सारा टूटा हुआ है, चलो भाई अपन निकल लिए घर के लिए, और दोनों बच्चे सामने जो गाड़ी है ना उसमें वेन्यू में, हाँ ये इतना उछल कूद करते हैं, मेरे को ऑफिस थोड़ा लॉक करना था, उनको लेके ना भाई तो ऑफिस भी नहीं लॉक कर सकते, इतने ज़्यादा शरारत करते हैं, बाकी ठीक है, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था यार, संडे को ना बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों के गाड़ियों के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो वो सब मिला जुला के अपना सही रहा, अभी देखते हैं अज्जू भाई को एक बार फ़ोन करेंगे, क्योंकि अपन बना रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान, देखो स्पिति में इस बार अपने को ना स्नो नहीं मिली, जो हमें एक्सपेक्टेड था ना कि भाई हमें स्नो मिलेगी, वो मिली लेकिन गिरी हुई मिली, अब मैं जमा हुआ बंदा गिरा नीच बली, ये जमा हुआ नहीं जमा तो गाना है, तो भाई स्नो नहीं मिली तो अपन प्लान करेंगे कहीं ऐसी जगह पे चले जहाँ पे हमें तगड़ी स्नो मिले और हमारी गाड़ी की थोड़ी सी और टेस्टिंग हो, और इसी दोनों गाड़ी को लेने का ले जाने का प्लान है, मतलब नॉट दिस वन बट LC एंड डिफेंडर, हाँ इन दोनों गाड़ियों को ले जाने का प्लान है, और देखते हैं कि वो प्लान हो पाता है नहीं हो पाता है, अभी तो डिस्कस करना है भाई से कि क्या हम उस तारीख को जा सकते हैं, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम के लिए 4-5 दिनों के लिए ना ये दोनों बच्चे भी
वेट के पास रहेंगे क्योंकि इनका वैक्सीनेशन चल रहा है अभी, एंड देन फिर यू नो स्वाति कहीं बाहर जा रही है 4-5 दिनों के लिए, तो मेरे को ना इन दोनों को नहीं संभाल सकता भाई मैं। देख रहे हो छुटकू को, देखो भाई ऐसे लेके आना पड़ता है क्योंकि गोद में ये देखो ये, इसको पहले से पता है। हाँ जाओ खेलो खेलो आ, आ। क्या ओ मेरा क्रॉक्स है वो, इधर आ ओए इधर आ छोटा, देखो